हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल स्वाति कॉर्नर पे। और आज हम पहुंच गए हैं चक्र तीर्थ पे। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में स्थित है और इसका जो जल है वो बहुत ही गहरा है। इसके अंत का बिंदु जो कहा गया है कि पाताल में स्थित है। कहते हैं 3 दिन उपवास करने के बाद जो यहाँ ध्यान पूजन करता है वो ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। आप जानते ही होंगे कि श्री राम ने रावण का वध किया था तो उनको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो यहाँ पर ही यज्ञ करने से उनका वो ब्रह्म हत्या का पाप जो है छूटा था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये समस्त पापों का नाश करने वाला तीर्थ है, इसीलिए इसको प्रथम तीर्थ भी कहा जाता है। और बाकी तीर्थ बाद में कहे गए हैं। चारों धाम के दर्शन भी कर ले, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर भी अगर आप यहाँ नहीं आते हैं तो आपका जो चार धाम की यात्रा है वो अधूरी ही मानी जाती है। अब यहाँ आकर आपको परिक्रमा लगानी होती है इस पूरे चक्र तीर्थ की। और आप जैसा देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जो यहाँ चारों तरफ बने हुए हैं। तो प्रथम स्नान करके आपको गणेश जी की वंदना करने के बाद यहाँ स्थापित और जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन करने चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि जो प्रथम पुरुष मनु थे और शत्रुपा ने यहीं पे आके अपनी तपस्या की थी, इसीलिए इसे तपोभूमि भी कहते हैं। और यहाँ अमावस्या के स्नान का बहुत महत्व है। अमावस्या के दिन यहाँ स्नान करके लाखों की संख्या में लोग ललिता देवी दर्शन को जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसका प्राचीनतम उल्लेख जो किया गया है वो रामायण में ही किया गया है। नवरात्र में, जो कि अब आने ही वाले हैं, यहाँ खास करके बहुत भीड़ होती है नवरात्र के टाइम पे। श्रीमद् भगवद गीता की भी यहीं पे रचना हुई थी। और देखिए यहाँ बहुत सारे कुंड हैं। वो सामने जो कुंड दिख रहा है उसमें सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित है। इसी तरह यहाँ से दूसरी तरफ ब्रह्मा जी का कुंड है, वहां पर भी ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित है। स्नान करने के बाद यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए भी स्थान है। यहाँ पे जाके लोग अपने वस्त्र बदलते हैं स्नान के बाद। और ये बहुत ही पुण्य स्थान है। तुलसी पुराण में इसे अति पुनीत कहा गया है और साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला कहा गया है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर ब्रह्मा जी का चक्र के नेमी विशीर्ण हुए थे, इसीलिए इसका नाम नैमिषारण्य है। तो यहाँ पर जो है 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली भी है ये। और चारों धाम की यात्रा का पुण्य सिर्फ इसके ही दर्शन से प्राप्त हो बेटा, जाता यहाँ है। से कम इसकी गहराई 40-45 हाथ की है। उसमें लोहे का जाल पड़ा हुआ है। जो बूढ़ बांध जाता है वो 10 मिनट या 5 मिनट के बाद ऊपर आ जाता है, तो पुराने लगता है। ज्यादातर जो पुराने तैरने वाले हैं वो लोग इसमें जाते हैं, और बेटा वैसे लोग यहाँ पे इसमें नहीं जाते। इसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? इसकी परिक्रमा बेटा या तो ऐसा है, एक कर लीजिए, या तो 3 करिए, या 5 करिए, या 7 करिए, या 11 करिए, या 21 करिए। ये तो अपनी श्रद्धा अनुसार। ऐसा करने से क्या फल मिलेगा? फल बेटा बहुत कुछ मिलता है आपको। जिससे कोई आपके घर में या आपके परिवार में या आपके कोई ऐसी समस्या है, इसका जल ले जाओ आप बस बोतल में, और इसको जहाँ पर देवी लो तो अपने घर में स्थापित हो वहीं रख लो। गंदगी में न रखो और ना गंदे हाथ इसको छुओ। कोई समस्या है थोड़ा उसके मुंह में एक दो बूंद डाल दो और उसके ऊपर छूट दो। ये सब लालका माई चक्र बाबा सब उनकी मनोकामना और सब जो है ये उनका हरों भा सब उतार देंगे। इसमें जो बीच वाला जो पानी है वो काफी गहरा है सुना है, तो क्या उसमें कभी कोई ऐसा हुआ है कि डूबा है या कोई? बहुत बहुत बेटा अमावस्या को डूब जाते हैं।
अमावस्या हाँ, एक महीने बाद जो अमावस्या होती है जो हम लोग या किसी लोग ध्यान नहीं दिया और जो मुझे फान गए, जब फान गए तो गुरु जाने अच्छा। क्योंकि बाहर है इतना, अंदर है 40-45 हाथ की गहराई और वो इतना तैर नहीं पाते हैं। गांव घर की चाल तलैया नहर जानते हैं, आए गरम मुझे फान गए बुड़ गए। फ्रेंड्स यहाँ के लोकल थे, मैंने उनसे बात की और काफ़ी जानकारी मुझे यहाँ के बारे में मिली। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर होते हुए भी ये स्वर्ग के समान पावन है और लोग इस स्थान का दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। तो आप भी कभी मौका लगे तो यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ पे दर्शन कीजिए और परिक्रमा करिए। और परिक्रमा के बारे में तो उन्होंने आपको बता ही दिया है कि कैसे करनी है। और फ्रेंड्स ये जो जगह है ये शिव जी को भी बहुत ही प्रिय है और साथ ही साथ जो ये पुण्य स्थान है इससे बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, वो आप मेरे फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये पांडवों का भी जन्म स्थान है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हनुमानगढ़ी और पांडव किला भी स्थित है, तो हम लोग यहाँ से निकलकर आगे वहाँ के लिए जाएंगे। और ये यहाँ के बारे में कुछ जानकारी है। वो जो पीछे गेट आप देख रहे हैं ये बैक साइड का गेट है, तो बाहर आप फ्रेश वगैरह होने के लिए पब्लिक टॉयलेट्स भी इसी तरफ हैं, तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप फ्रेश भी हो सकते हैं। और ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सरस्वती जी का कुंड दिखाया था, ये वहीं पीछे की तरफ ब्रह्मा जी का भी कुंड स्थित है। ये बैक वाला गेट है, दूसरी साइड वाला गेट। अब हम यहाँ से बाहर आ चुके, अब हम ललिता देवी मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे शक्ति उपासना का बड़ा महत्व है, तभी तो भक्तों का तांता यहाँ लगा ही रहता है। श्रद्धा की झलक यहाँ उन्हें दंडवत कर जाते हुए भक्तों को देखकर ही मिलता है। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं ललिता देवी मंदिर के द्वार पे, ये मुख्य द्वार है, यहाँ से हम ललिता देवी मंदिर में एंटर करते हैं। ललिता देवी को माँ लालते मैया भी कहते हैं यहाँ के लोकल लोग। और ये कहा जाता है वो जो मनोमय चक्र के बारे में मैंने बताया था, वो मनोमय चक्र जब गिरा था पृथ्वी पर तो वो गिरकर घूमे ही जा रहा था, तो इन्हीं मैया ने इसको स्थिर किया। और जब स्थिर किया तो उसके बीच में से पानी निकलने लगा और वही पानी कुंड के रूप में वहां स्थित हो गया और उसी में श्रद्धालुगण अपना स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। और ये तब से ही कहते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा ही रहता है। तो ये मैया के द्वार पे हम पहुंच गए हैं और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मैया का भव्य मंदिर है। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा मंदिर परिसर है, मंदिर है, ऊपर दो हाथी लगे हुए हैं। श्रद्धालुगण बड़ी दूर दूर से यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना देवी मैया जरूर पूरी करती हैं। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है। मैं जब पहुंची थी तो मुख्य द्वार पे कुछ काम चल रहा था,
तो अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए भक्तों का यहाँ हमेशा तांता लगा ही रहता है। देख रहे हैं आप कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। वो माता जी हैं, ललिता मैया। ये पूरा मंदिर है। और माता जी के मंदिर में ही शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और फिर बाहर आप परिक्रमा लगाने के लिए आ सकते हैं। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पीछे की तरफ आप हवन में आहुति भी दे सकते हैं। और जब हम आगे चलते हैं तो ये प्राचीन श्री नैमिषनाथ का मंदिर है और माता के द्वार पे जो आता है ऐसा कहा जाता है कि वो कभी खाली हाथ नहीं जाता और माता के दर्शन कभी भैरव बाबा के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होते। तो यहाँ पे भैरव जी का भी मंदिर स्थित है। और जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये काम कामेश्वरी मंगला माता का मंदिर है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जानकी कुंड है। यही कहते हैं कि इसी जगह पे सीता मैया धरती में समा गई थी, इसीलिए इसका नाम जानकी कुंड है। और यहाँ पर देखिए हनुमान जी स्थापित हैं द्वारपाल के रूप में। मिलते हैं इसी सीरीज के थर्ड वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।